नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हंसते और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल प्रेतलोक में। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। वानर लोक से निकल कर बाकेलाल इस बार पहुँचा प्रेतलोक में। ओह, मैं प्रेत की तरह पेड़ पर टंगा हूँ, यानी कि मैं प्रेतलोक में आ गया हूँ। अपने आसपास विक्रम सिंह को ना पाकर बाकेलाल फिर चौंक पड़ा। अरे, इस बार भी मुच्छड़ विक्रम सिंह मेरे साथ इस नए लोक में नहीं पहुँचा। तभी बाकेलाल की नज़र पड़ी एक सांप पर। सांप? धत, अब मुझे सांप से डरने की क्या आवश्यकता, अब तो सांप को मुझसे डरना चाहिए। तभी सांप के नींद टूट गई। प्रेत, इस सांप से पंगा लेने की एक तरकीब सूझ तो रही है मुझे। अब बोल बेटा सांप की औलाद। अरे मोरी मैया री, भागो। सांप को भगाकर बाकेलाल वृक्ष से नीचे उतरा। ना जाने प्रेतलोक में किस तरह के प्रेतों से सामना हो। इसी के साथ बाकेलाल की नजरें पड़ी एक नाम पट पर। ओह, तो ये रास्ता प्रेतलोक बस्ती की ओर जा रहा है। बाके प्रेतलोक की बस्ती की ओर चल पड़ा। शुक्र है मनोज मुच्छड़ का साया इस बार भी मुझसे दूर ही रहा। जरूर इस बार वो चमगादड़ बना किसी पेड़ पर टंगा होगा। उन्हीं दिनों भूतलोक के तीन शैतान भाइयों ने भूतलोक और प्रेतलोक में हंगामा मचा रखा था। प्रेतराज बजरबट्टू ने भूतराज दंडपेलू को चेतावनी दे दी थी कि भूतराज, आज से हम प्रेतों की गिनती करेंगे। एक भी प्रेत कम हुआ तो उसकी मौत का जिम्मेदार आपको मानकर हम युद्ध का ऐलान कर देंगे। प्रेतराज बजरबट्टू। प्रेतलोक बस्ती के निकट भूतलोक के तीन शैतान भाई। दंत फोड़वा। कट फोड़वा। कन फोड़वा। कट फोड़वा, चोंच मार दूं तो काठ में भी छेद कर दूं। दंत फोड़वा, प्यार से ही मारता हूं मैं तो मुक्का। अब किसी का पूरा जबड़ा ही बाहर निकल आए तो इसमें मेरे मुक्के का क्या कसूर। कन फोड़वा, मैं हूं कन फोड़वा भूत। कानों पर रुई रख लेना प्यारे बच्चों, कहीं आपके ही कान में ना घुस जाऊं मैं। बड़ा खतरनाक भूत हूँ मैं। हाँ, प्रेतलोक बस्ती से कुछ दूर ही तीनों शैतान भाई एकाएक रुक गए। कंठू, दंतू, वो देखो प्रेती। इन प्रेतियों को देखते ही पता नहीं क्यों मेरे घोंसलों में खुजली होने लगती है। मेरी तो चोंच से लार टपकने लगती है। तीनों शैतान भाई प्रेती की तरफ दौड़ पड़े। पकड़ो, सबसे पहले इसका जबड़ा निकालता हूँ। अब तक प्रेती भी उन शैतानों को देख चुका था। बाप रे, शैतान भूत भाई, भागो। लेकिन भूत भाइयों से बचकर भागना इतना आसान नहीं था। कित जावे है मेरे लाल, आजा, घोसा ना खावेगा। धुम, मर गया। नीचे गिर पड़े प्रेती के कानों में घुस गया कनफोड़वा। अब मैं घुसता हूँ इसके कान में और खाता हूँ इसके कान। कचर कचर, अब कान के सिवाय कुछ खाता भी तो नहीं ना मैं। कनफड़वा मेरे कान में घुस गया, बचाओ। इधर प्रेतलोक के प्रत्येक शाम की तरह नागरिकों की गिनती हो रही थी। 501, 520, 599 और अंतिम गिनती पर चौंक पड़ा प्रेत सेनापति प्रेत बुखार। अरे, 600वां प्रेत कहाँ गया? प्रेत बुखार का इतना कहना था कि प्रेतों में हलचल मच गई। क्या एक प्रेत कम है? कहाँ गया एक प्रेत? प्रेतराज बजरबट्टू चौंक पड़ा। क्या कहा सेनापति प्रेत बुखार, एक प्रेत कम है प्रेतलोक में? जी हाँ महाराज, और मुझे शक है कि कम हुआ वो प्रेत कहीं तीनों शैतान भाइयों के हाथ तो नहीं लग गया। हमें तुरंत प्रेत की खोज में जाना होगा महाराज, उसके प्राण संकट में हो सकते हैं। जाओ सेनापति प्रेत बुखार, जल्दी जाओ, पता करो कि वो प्रेत कहाँ है
और अगर इस बात का सबूत मिले कि वो प्रेत उन तीन भाइयों का शिकार हो गया है तो वो सबूत लाकर हमें दो। इस बार हम अपने गायब हुए नागरिक का बदला पूरे भूत लोक से लेंगे। भूतराज दंड पेलू की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सेनापति प्रेत बुखार अपने सैनिकों के साथ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि वो रहा छेसावां प्रेत। अरे हाँ, छेसावां प्रेत लौट आया। ये देखते ही प्रेतलोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। छेसावां प्रेत लौट आया। पलक झपकते ही बांकेलाल को सेनापति और सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? बांकेलाल। बांकेलाल को महाराज के सम्मुख पेश किया गया। महाराज, प्रेतों की गिनती के समय अनुपस्थित रहकर इसने प्रेतलोक का नियम भंग किया है। प्रेतराज बजरबट्टू की भ्रिकिंटी में बल पड़ गया। इसे सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। प्रेतलोक में घुसते ही ये क्या हंगामा हो रहा है तेरे साथ बांकेलाल? प्रेतराज बजरबट्टू ने अपना आदेश दंधनाया। बांकेलाल को दो दिन तक भूखा प्यासा पेड़ से उल्टा लटका कर रखा जाए। क्या मगर मेरा कसूर क्या है? मैं तो दो दिन पेड़ पर उल्टा लटकेगा तो कसूर भी पता चल जाएगा। ले चलो इसे। बांकेलाल को पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया। अरे ये क्या करते हो कंबख्तो, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो बांके से पंगा लेकर? पर अब उसकी चीख चिल्लाहटे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। हे भोले शंकर, इस बार कहाँ फंसा दिया प्रेतों में, इन्होंने तो आते ही उल्टा टांग दिया मुझे। प्रेतलोक के एक एक प्रेत को उल्टा ना लटकाया तो मेरा नाम भी बांकेलाल नहीं। इधर भूतलोक में तीनों शैतान भूत भाई। दंतु, बड़ी जोर की प्यास लगी है भाई, तो फिर देर क्यों करता है, वो देखो सामने। कठफोड़वा के लिए मटके में छिद्र करना कौन सी बड़ी बात है? ठक, ये कैसी आवाज़ थी? अगले ही पल सभी भूतनियाँ चीख मार कर भागने लगी। भागो, शैतान भूत भाई आ गए। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी, तेरे कान तो मालपुए जैसा मीठा होगा। ओह बचाओ, आई तेरा जबड़ा लिए बिना थोड़े ना छोड़ूंगा मैं तुझे, मेरे चम्मक छल्लो। जल्दी चलो, जबड़ा घाटी में जादूगर भूतोड़ लताड़ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा होगा। इधर भूतराज के सैनिकों का भय भी बढ़ता जा रहा है। इधर भूत महल में भूतराज दंड पेलू 1001, 1002, 1003। भूतराज की जय हो। भूतराज, आप यहाँ दंड पेल रहे हैं और वहाँ ओह प्रजा मंत्री सुड़प चल्लू 1004। कहो क्या कहना है 1005। भूतराज, उन दिनों भूत भाइयों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। भूतराज, उन तीनों भाइयों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अगर शीघ्र ही कुछ ना किया गया तो आपकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनते ही भूतराज दंड पेलू ने दंड लगाना बंद किया। नहीं प्रजा मंत्री सुड़प चुल्लू, नहीं, हमारी गद्दी खतरे में डालने वाले के प्राण हम खतरे में डाल देंगे। हम कसम खाते हैं प्रजा मंत्री कि अब हम तभी दंड पेलेंगे जब उन तीनों शैतान भाइयों का अंत हो जाएगा। भूतराज, ये कैसी कसम खा ली आपने? राजवैद की चेतावनी भूल गए आप? हम कुछ नहीं बोले सुड़प चुल्लू, हम जानते हैं कि अगर एक भी दिन हम दंड ना पेले तो हमारा पेट गैस से फूलने लगता है, और अगर फूलते फूलते पेट फट गया तो तबाही आ सकती है। लेकिन अब तो हम कसम खा चुके हैं। सहसा भूतराज दंड पेलू एक तरफ चल पड़े। भूतराज, कहाँ चल दिए? अब जल्द ही भूत लोग उन तीनों शैतान भाइयों के आतंक से मुक्त होगा। भूतराज एक विशेष कक्ष में पहुँचे जहाँ उनके अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। भूतराज दंड पेलू ने आले में रखा एक दीपदान उठाया। इस काम में मेरी मदद केवल एक ही शख्स कर सकता है, और वो है जिन अफलातून। भूतराज दंड पेलू ने दीपदान को फर्श पर तीन बार रगड़ा। अगले ही पल जिन अफलातून प्रकट हो रहा है।
जिन अफलातून प्रकट हुआ, जो कोई और नहीं राजा विक्रम से ही था। भूतराज दंडपेलु, कैसे याद किया? जिन अफलातून, आज तुम्हारे इस मित्र को तुम्हारी मदद की आवश्यकता आ पड़ी है। जिन अफलातून विक्रमसिंह, पूरे भूतलोक पर संकट मंडरा रहा है। ये सुनते ही जिन अफलातून ने लगाया एक बेहद बेहद खौफनाक अट्ठास। क्या कहा भूतराज दंडपेलु? पूरे भूतलोक पर संकट? किसकी मृत्यु आई है? जिन अफलातून विक्रम सिंह के हाथों। भूतराज ने जिन अफलातून विक्रम सिंह को सारी बात कह सुनाई। तब, ओह, तो वो तीन शैतान भूत भाई हैं तुम्हारी परेशानी का कारण। अब मैं जल्द ही उन तीनों के सिर लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा भूतराज। जिन अफलातून, विक्रम सिंह आपको इस प्रकार मरने नहीं देगा भूतराज। आप जल्दी से फिर से दंड पे लेंगे। भयंकर ठहाका लगाता जिन अफलातून विक्रम सिंह वहाँ से लुप्त हो गया। उधर तीनों शैतान भाई कठफोड़वा, दंतफोड़वा और कनफोड़वा जा पहुँचे थे जबड़ा घाटी। जादूगर भूतोड़ लताड़, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था भूत भाइयों। आज किसका अइया इया कर आए? हम आपके लिए एक और जबड़ा लाए हैं जादूगर भूतोड़ लताड़। वाह, तुम्हारी मदद से 1001 जबड़ों की भेंट मैं जल्द ही दे दूंगा शैतान भूखा मरकट को। तब प्रसन्न होकर शैतान भूखा मरकट हमें देगा अमर शक्ति, जिसकी मदद से हम सब मिलकर भूतलोक और प्रेतलोक के राजा बन सकेंगे। जय शैतान भूखा भरकट की। अच्छा भूतोड़ लतार, अब हम चलते हैं। ज़रूर जाओ और जल्दी जल्दी भूत प्रेतों का अइया इया करके लेकर आओ जबड़े। 1001 जबड़ों की भेंट के बाद पोपले शैतान भूखा भरकट को दांत मिल जाएंगे और वो सदियों की भूख मिटा सकेगा। जय शैतान भूखा भरकट की। प्रेतलोक में दूसरे दिन बाकेलाल को नीचे उतारा गया। बाकेलाल, तुम्हारी सजा आज समाप्त हुई और तुम्हारे बुरे दिन आज से शुरू हो गए कमबख्तों। अगर पूरे प्रेतलोक में हंगामा ना मचा दिया तो मेरा भी नाम प्रेत बाकेलाल नहीं। बाकेलाल की खोपड़ी तेजी के साथ चलने लगी। लेकिन ऐसा क्या करूं कि पूरा प्रेतलोक हिल जाए, प्रेतराज बजरबट्टू की रातों की नींद उड़ जाए। घुर्र, सोच तरकीब, सोच तरकीब, सोच तरकीब। और अचानक अगर प्रेतलोक का एक प्रेत कम हो जाए और प्रेतराज क्रोध में आकर भूतराज पर आक्रमण कर दे तो? इस प्रकार युद्ध में काफ़ी भूत प्रेत मारे जाएंगे और तब मैं करूँगा बचे खुचे प्रेतों पर राज। अचानक ठिठक कर रुक जाना पड़ा बांके को। कट्ठू, पहले तू इसकी खोपड़ी में छेद करेगा या मैं ही खाऊं इसके कान? ठहरो भाइयों, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मुझे इसका जबड़ा निकाल लेने दो। कौन हो तुम लोग? ये तीनों तो बड़े भयानक हैं, प्रेतलोक के तो नहीं लगते। मैं हूँ दंत फोड़वा, मैं हूँ कन फोड़वा, मैं हूँ कठ फोड़वा और हम अब तेरा जबड़ा निकाल कर ले जाएंगे जबड़ा घाटी जादूगर भूतोड़ लताड़ के पास। नहीं, ठहरो, मैं बाकेलाल हूँ। सुनो, जल्दी कर दंतु, तोड़ दे इसका मुंह, निकाल ले बत्तीसी। नहीं, दंत फोड़वा का मुक्का तो बचा गया बाकेलाल। साएं, ये तीनों मेरी एक ना सुनेंगे। उफ, लेकिन बचाते बचाते भी कठफोड़वा ने सुझा ही दी उसकी खोपड़ी। ठक, आज ही घिसकर पैनी करी है चोंच मैंने। बचाओ। कनफोड़वा बाकेलाल की ओर लपका। नहीं, अगर ये मेरे कानों में घुस गया तो मेरे दोनों कान खा जाएगा। क्यों बाके, अब कैसे बचेगा मुझसे? कहाँ जाता है कनफोड़वा? लेकिन इससे पहले कि कनफोड़वा बाकेलाल के कान में प्रवेश कर जाता, मुझसे तो मिल लो। ओह, ये कौन आया सुरमा? उफ, मैं हूँ जिन अफलातून, नाम है मेरा विक्रम सिंह। मेरे भाई पर हाथ उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा। और विक्रम सिंह के नाम से चौंक पड़ा बाकेलाल भी। विक्रम सिंह
महाराज विक्रम सिंह मुच्छर तो ये जिन बन गया है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।